स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे इसी की लीनियर डिस्क्रमिनेंट एनालिसिस की uh, जो लास्ट मॉड्यूल था उसमें वी ट्राई टू सम सॉर्ट इस्टेब्लिश समरस्टैंडिंग ये होता क्या कि है किस तरह से आप उनको जो है ना वो अपना डिस्क्रिमिनेशन को निकालते हैं उसमें से और किस तरह से एक उसमें आप ले कर आते हैं जहाँ पर उनके दरम्यान कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहती अभी एक प्रॉपर एक एक्सरसाइज करेंगे टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एज आई सेड ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है और माई यू नो कंसिड्रेशन है टू इंक्लूड दीज एक्सरसाइजिज कि आप हैंड्स ऑन आप इनको करें डू एट योर ओन क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको जब आप किसी डाटा इन्वामेंट में इनको यूज़ करेंगे और डाटा को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे या आप ये कहें कि ये वाले मेथड आप अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेकिन ये डेटा साइंस के अंदर एज आई मैंशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो जो कैसे आपने रिडक्शन कैसे करनी है ठीक है तो अब आपने क्या किया एज ए सट दिस इज़ ऑल मैथमेटिक्स कि आपके पास ये एक डेटा सेट अवेलेबल है अब क्या है एक्स जो है ये उसकी वैल्यू है ये एक वेरिएबल है आपका ठीक है एन जो है ये उसकी तादाद है ऐसे हमें पता है कि अगर हमने एवरेज या मीन निकालना तो एक्स वन से लेके कर एन तक उनको जमा करते हैं और एन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसकी एवरेज आ जाती है इसी तरह आपको पता है कि इसी तरह के एक सेट में से आपने मीन कैसे निकालना मीडियन कैसे निकालना है मोड कैसे निकालना है वो भी आपको पता है वी हैव डन दिस बट दिस इज़ जस्ट कि वही चीज़ें आपकी जो शुरू में आपने चीज़ें की वो आपकी कहीं ना कहीं दोबारा आपके लिए यूजफुल साबित होंगी ये इसका पूरा ना फार्मूला है इसको आपने अप्लाई करना है और ये इसको पूरी एक्सरसाइज को इसका लिंक भी अवेलेबल है तो आपने वहाँ जाके इसको स्टेप बाई स्टेप ऑन करना है सारा आपको एक्सप्लेन किया कि एक सैम्पल डाटा एन वन से आएगा एक एन टू से आएगा विच इज़ अ डिफरेंट क्लास तो दो तरह का आपके पास डाटा अवेलेबल है और आपने उसको कंपेयर करना उसके ऊपर से आपने वो जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया कि किस तरह आपने उसको वो जो आप एक्सेस पे करते हैं उसको सिर्फ एक्स पे करते हैं सिर्फ वाई पे करते हैं फिर देखते हैं कि उसके अंदर एक तरह के जो वेरिएबल्स हैं या जिनके अंदर एक तरह से उनका जो वेरियंस है स्टैंडर्डावेशन मिनिमाइज है वह अब वो दैट वॉज देयर जस्ट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पर हम वो फार्मूला यूज़ करें जो कि ये चीज़ कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है और जब मशीन लर्निंग में आप इसको यूज़ करेंगे तो दैट विल बी डन ऑन द बैक एंड और मे बी इट विल भी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ यह कि पाइथन के अंदर ये सब की लाइब्रेरीज अवेलेबल है आपने क्या करना है इन्वामेंट आई एम श्योर कर अब आपको पता चल गया आपकी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या लर्निंग एनवायरनमेंट है पाइथन की वो क्या होती है उसके अंदर डिफरेंट आपकी फ़र्ज करें जप्यूटर नोटबुक है वो आपने इंस्टॉल की हुई है पांडा जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं वो आपने इंस्टॉल की हुई हैं ऑलरेडी और आपके पास एक डेटा सेट भी अवेलेबल है और गिट हब पे आपके पास मल्टीपल डाटा सेट्स अवेलेबल हैं तो अब आपने सिंपली ये करना है ये जब आपके अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प होगी तो आपने फ़र्ज करें ये जब आपने ये कैलकुलेट करना होगा तो आपने सिम्पली इसकी लाइब्रेरी को कॉल करना है और अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं कि ये बैकएंड पे जो फार्मूले हैं वो कैसे काम करते हैं फिर इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब फर्ज़ करें आप मॉडल ट्रेन करते हैं राइट जब आप अपने जो मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको जब आप ट्रेन करते हैं और सैम्पल सेट की बेस पर या फिर तो बेस्ड ऑन रिजल्ट आपको ये भी पता होगा कि अच्छा यार अब मैंने फ़र्ज़ करो कि मेरा जो एन है वो कम है तो मैं उसको बढ़ा लूँ या मेरा सैम्पल साइज़ बहुत बढ़ा है उसको मैं कम कर लूँ या अगर वो आपको जो एक्स वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ठीक नहीं आ रही तो वो भी आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा तो आप फिर अपना जो सोर्स डाटा उसको ठीक करेंगे तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस तरह से रिलेटेड है और आपको इस तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपके लिए इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल अच्छा फिर आपने वो तो सिंप्लीफाई किया ये आपने अब उसको डिफाइन कर लेंगे इसमें इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैव बिट ऑफ लिमिटेशन के इनको क्योंकि टाइम हमें परमिट नहीं करता ना ये हमारी वो इस तरह से रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको यहाँ परफॉर्म करना बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है अच्छा हाँ अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसको मैंने इसलिए स्किप किया कि आप इसको ये देख सकें कि अब आप इसको जो मैं बता रहा था कि पाइथन में आपने इसको कैसे करना है तो इसमें बेसिकली आपने ये देखी है कि ये आपने नामपाई इम्पोर्ट की पांडाज इम्पोर्ट किए मेट प्लॉट लिप किया लर्न अब आपने डिफरेंट जो लाइब्रेरीज हैं वो आपने अपनी इंपोर्ट कर ली और ये आपने जो इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर लेबल एंड कोडर तो ये जब आपने किया फिर उसके बाद आपने अब आपका जो डाटा है वो किसी सोर्स पे पड़ा है ये उसका अवेलेबल है ठीक है ये कमेंट्स को मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कमेंट्स जो है वो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ गाइडलाइन तो अब आपने यहाँ से डाटा रीड डाटा सेट फ्रॉम यू वो ये जो सारा पूरा उसका आपका ये डाटा सेट अवेलेबल है ये आयरस का जो डाटा सेट है ये देखिए वी हैव यूज दिस अर्लियर आल्सो तो विद इन आयरस के अंदर का कई तरह का डाटा सेट आपके पास अवेलेबल है ये चीज़ें में रखें कि आपके लिए ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि मेरे पास डाटा कौन सा कहाँ पड़ा है कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपने यूज़ करनी है जो प्रीवियस प्रीवियसलाइडम सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है उनके थ्रू कि वो जो फ़र्ज़ करें एक्स क्या है वाई क्या है एन कितना है एन वन कितना है एन टू कितना है सिगमा कितना है स्मॉल सिगमा कितना है यू you नो know, इस तरह की चीज़ें और फिर अगर आपको मशीन लर्निंग के मॉडल की ट्रेनिंग में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन चेंज योर डेटा साइज़ और फिर इसकी बे और देट इज़ होू कैन यूज़ दैट नॉलेज क्योंकि आपने इवेंचुअली वो फार्मूले तो ऑलरेडी बने हुए हैं लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपने सिंपली ये करना है कि वो लाइब्रेरीज़ कॉल करनी है और ये जो अपना कोड आपने सिर्फ़ इतना सा लिखना है कि यू से डाटा रीड किया एंड देट सेट और फिर इसकी जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है फिर आप वो डाटा को प्रोसेस करेंगे राइट right? इसी तरह फिर आपको उसको प्रिंट करेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज अवेलेबल है आप इसको इसके लिंक से स्टडी कर सकते हैं और इसमें आप इसको फिर जो है पूरा कोड जैसे आई एम रीआईटी रेटिंग के आप वो प्लीज़ अपने हाथ से कोड लिखें ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ें किस तरह से काम करें और इवेंचुअली ये आपके पास एक डाटा सेट आ जाएगा ये आपके पास वो जो मैट्रिक्स आ जाएगी ये भी आपको सिस्टम बताएगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है दिस इज़ नाइन्टी परसेंट और ये जैसे मैंने कहा ये इसका लिंक आपके पास अवेलेबल है यू गो टू दिस लिंक और ये पूरी एक्सरसाइज आप अपनी इन्वामेंट में भी कर सकते हैं आप वहाँ पर भी कर सकते हैं